जय शंभुनाथ। मैं समीर व्यास आज आपसे सनातन धर्म का प्रतीक यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के जन्मोत्सव के बारे में बात करूंगा। भगवान विष्णु जी ने अवध के अंदर कौशलपुर के अंदर राजा दशरथ जी के वहां पुत्र स्वरूप जन्म लिया, जो धर्म का प्रतीक है और उसे हम रामचंद्र भगवान कहते हैं। किंतु चलिए जानते हैं कि भगवान ने मनुष्य अवतार क्यों लिया। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान राम को विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि त्रेता युग में धरती पर असुरों का उत्पात बढ़ गया था। असुर ऋषियों के यज्ञ को खंडित कर दिया करते थे। धरती पर असुरी शक्तियों के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए पूरे जीवन अपार कष्टों को सहा और एक आदर्श नायक के रूप में स्वयं को स्थापित किया। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में श्री राम ने धर्म का त्याग नहीं किया। तो चलिए आज के भाग में जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथाएं। ऐसा कहा जाता है कुछ श्राप और कुछ आशीर्वाद के कारण भगवान ने मनुष्य अवतार त्रेता युग में धारण किया। जी हाँ, हर कल्प में एक बार त्रेता युग आता है और हर त्रेता युग में राम जी का अवतार होता है। भगवान विष्णु पुराण के कथा अनुसार विष्णु जी के 24 अवतार की कथा में 19वां अवतार प्रभु श्री राम जी का है और एक नंबर न्यूमरोलॉजी में सूर्य का होता है, इसलिए प्रभु श्री राम जी का जन्म सूर्य वंश में भी हुआ था। ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान विष्णु जी के 10 अवतार की कथा अनुसार प्रभु श्री राम जी का जन्म 7वें अवतार में गिना जाता है और 7 नंबर यानी कि तुला राशि और उनके हम अल्फाबेट देखें तो र और त यानी भगवान का नाम भी र से राम रखा गया है। और ये भी हम देखें न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर केतु का है, जो धर्म आस्था और ध्वजा का प्रतीक है। वैसे प्रभु श्री राम पुत्र धर्म कहो या पति धर्म कहो, स्वामी धर्म कहो या सखा धर्म कहो या राज धर्म कहो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान धर्म के प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है विष्णु पुराण की कथा अनुसार जय विजय को तनत कुमारों के श्राप अनुसार 3 बार मृत्यु लोक पे राक्षस स्वरूपी जन्म लेना था और विष्णु भगवान खुद वहां पे अवतार लेके उनको मोक्ष प्रदान करेंगे और उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए, उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान महाविष्णु स्वयं राम जी का अवतार धारण करते हैं। सिर्फ सीनियर टेली पर अब वेब मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।